नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 जून, दिन गुरुवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लालू यादव और ललन सिंह ने बताए मोदी सरकार के घबराहट और हताश की वजह। तेजस्वी यादव ने खुद की गिरफ्तारी को लेकर कही ये बात। बीजेपी प्रवक्ता ने नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवार बनने को लेकर कही ये बात। ललन सिंह के बयान पर मांझी ने दिया यह जवाब। नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी नेता ने कसा तंज। अब चलिए बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता से पहले लोकसभा चुनाव को लेकर कही ये बात। लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ समय ही बचे हैं, ऐसे में राजनीतिक दल इसके तैयारियों में जुट चुके हैं, लेकिन अब चुनाव को लेकर चल रहे इन्हीं शोरगुल के बीच नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। दरअसल पटना में कई परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन पर पहुंचे नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव को लेकर आशंका जताई है और अधिकारी को जल्द से जल्द अपने काम को खत्म करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आप लोग कह रहे हो कि जनवरी 2024 तक कर लेंगे, लेकिन हम तो कहेंगे कि जल्दी कीजिए, जितना जल्दी होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि कब चुनाव हो जाए कोई नहीं जानता। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा, कोई ठिकाना है पहले ही चुनाव हो जाए, इसलिए तेजी से काम कीजिए। बता दें कि नीतीश कुमार का यह बयान विपक्षी एकता के बैठक से पहले आया है। विपक्षी एकता के मीटिंग से पहले गिरफ्तार हुए तमिलनाडु के मंत्री इस दिन तक रहेंगे न्यायिक हिरासत में। अभी बीते ही दिनों तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के घर ईडी की छापेमारी हुई है। अब इस छापेमारी के बाद यह खबर सामने आई है कि सेंथिल बालाजी को 28 जून तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। बता दें कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत स्थानीय अदालत द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार बालाजी से इस मामले को लेकर काफी देर तक पूछताछ की जा रही थी, जिसके बाद उन्हें थोड़ी असहजता महसूस हुई और तबीयत बिगड़ता देख उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि तमिलनाडु मंत्री बालाजी की अब गिरफ्तारी की जा चुकी है। बता दें कि यह सब मामले तब सामने आए जब विपक्षी एकता को लेकर बैठक होने वाली है। बिहार में हो रहे विपक्षी एकता के बैठक के जवाब में नड्डा और शाह इस दिन निकालेंगे रैली, जहां विपक्षी दल आगामी चुनाव को देखते हुए एकता की पहल में लगे हुए हैं ताकि बीजेपी को करारी शिकस्त दे सके। वहीं बीजेपी भी विपक्षी एकता को मात देने की पूरी तैयारी कर रही। अब इसी कड़ी में बीजेपी बिहार में विपक्षी एकता के बैठक के जवाब में अपनी कई रैली इस महीने के अंत तक और आगामी महीने में निकालने वाली है। यह रैली बीजेपी के कई दिग्गज नेता द्वारा निकाले जाएंगे। बता दें कि रैली के इन्हीं चर्चाओं के बीच जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार में रैली निकालने की तारीख भी सामने आ गई है। मेरी जानकारी के अनुसार जेपी नड्डा 24 जून और वहीं अमित शाह 29 जून को बिहार में रैली निकाल अपने जनसभा को संबोधित करेंगे। मालूम हो कि बीते ही दिनों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर प्रदेश बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद ही नड्डा और अमित शाह के रैली की तारीख सामने आई है। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के पिता को लेकर कह दी ये बात। इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आयोजित होंगे। अब इसी कड़ी में राजनीतिक दल एक दूसरे को लेकर खूब बयानबाजी करते भी नजर आ रहे, लेकिन इस बयानबाजी के दौर में कई बार वे अपनी सीमा भी भूल जाते और विवादों के घेरे में आ जाते हैं। ठीक ऐसा ही मामला एक बार फिर से सामने आया है, जहां कांग्रेस के नेता अरुण यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के दिवंगत पिता को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी तापमान बढ़ता दिखाई दे रहा है। बता दें कि पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी आ जाएं और उनके ऊपर कोई हो वो भी आ जाए, नड्डा जी आ ही रहे हैं, मोदी जी के पिताजी भी आना चाहे तो आ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बता दें कि कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद उन पर निम्न स्तर की मानसिकता रखने का आरोप भी बीजेपी द्वारा लगाया गया है। लालू यादव और ललन सिंह ने बताए मोदी सरकार के घबराहट और हताश की वजह। तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की खबर बीते ही दिनों सामने आई है। इसे लेकर राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। दरअसल लालू यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए लिखा कि तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा प्रतिशोध की एक और कार्यवाही को देखना आश्चर्यचकित नहीं कर रहा। वर्ष 2024 में आम चुनाव तक यह जारी रहेगा, कोई गलती न करे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। वहीं ललन सिंह के द्वारा कहा गया कि ईडी ने तमिलनाडु में वी सेंथिल बालाजी के घर पर छापा मारा है, जो 23 जून को पटना में नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई सभी विपक्षी पार्टियों की बैठक को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार की घबराहट और हताश प्रतिक्रिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के सहयोगी ने केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिख कही ये बात। बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद 6 जुलाई को चुनाव होने हैं। लगातार धरना प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ केंद्र सरकार द्वारा बातचीत की गई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत के दौरान यह फैसला हुआ कि इस चुनाव में ब्रजभूषण और उसके परिवार का कोई भी सदस्य इस चुनाव को नहीं लड़ सकता। हालांकि कई बार इस तरह की चर्चा भी सामने आई कि बीजेपी नित केंद्र सरकार भी ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाव कर रही। अब इसी कड़ी में बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने केंद्रीय खेल
खेल मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद यह चर्चा और भी तेज हो गई है और कई तरह के सवाल उठने खड़े हो गए। दरअसल उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के परिवार और उनके सहयोगियों को चुनाव लड़ने देने की इजाजत मांगते हुए कहा है कि ऐसा करने पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। साथ उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पहलवानों का धरना एक राजनीतिक साजिश थी। कांग्रेस के इस पूर्व नेता को पटना में हो रहे विपक्षी दल के बैठक में नहीं मिला आमंत्रण। नीतीश कुमार द्वारा चलाए जा रहे विपक्षी एकता के मुहिम को लेकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद का बयान सामने आया है। बता दें कि गुलाम नबी कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं। दरअसल इन्होंने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता से कोई लाभ होगा, इस पर उन्हें संदेह है। जब उनसे मीडिया द्वारा पटना में हो रहे इस विपक्षी बैठक में नीतीश कुमार द्वारा दिए जा रहे आमंत्रण को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया है। यूसीसी को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। केंद्र में मोदी सरकार पर कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि जनता की ताजा राय जानने का विधि आयोग का हालिया प्रयास मोदी सरकार के ध्रुवीकरण के एजेंडे को जारी रखने और अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश को दर्शाता है। केंद्र द्वारा गठित 22वें विधि आयोग की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई थी कि उसने आम लोगों और धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों से यूसीसी के मुद्दे पर राय लेना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश द्वारा भी कहा गया कि यह अजीब है कि विधि आयोग नए तरीके से राय लेने की मांग कर रहा है, जब वह स्वीकार करता है कि उसके पहले के 21वें विधि आयोग ने अगस्त 2018 में इस विषय पर एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया था। साथ उन्होंने कहा कि विधि आयोग ने अब कोई कारण भी नहीं बताया है कि इस विषय पर फिर से विचार क्यों किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने खुद की गिरफ्तारी को लेकर कही ये बात। आए दिन केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के माध्यम से अपने विरोधी दलों पर शिकंजा कसती नजर आ रही। अभी हाल में ही तमिलनाडु में भी यह मामला सामने आया है, जहां तमिलनाडु के मंत्री के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। अब जांच एजेंसी के इन्हीं कार्यवाही को देखते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्षी एकता को लेकर जिस तरह देश में माहौल बन रहा है, विपक्षी गोलबंद हो रहा है और जैसे 23 का समय नजदीक आ रहा है यह सब होगा। आगे उन्होंने कहा कि अभी तक मेरा नाम चार्जशीट में नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्री चार्जशीट लेकर मेरा नाम भी जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब बिहार में हमारी सरकार बनी थी तभी हमने कहा था कि अब बीजेपी के लोग हम पर लगातार रेड मारेंगे। सरकार बनने के बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ कितनी बार रेड पड़ा, अब तो एजेंसियों को भी नहीं पता होगा कि उन्होंने हमारे यहाँ कितनी बार रेड किया है। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ में मंत्री टीएस सिंहदेव ने पार्टी छोड़ने को लेकर कही ये बात। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाली खबर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनसे कई पार्टियों ने संपर्क साधा है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। वहीं पत्रकारों द्वारा जब उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा ने ऑपरेशन लोटस के तहत उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए उनसे संपर्क किया था, तो इसके जवाब में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह ऑपरेशन लोटस के बारे में नहीं है। जब भी किसी को कोई गुंजाइश दिखती है तब वह राजनीतिक दल पहल करते हैं। मैं कांग्रेस छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं वह काम करूंगा। बीजेपी प्रवक्ता ने नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवार बनने को लेकर कह दी ये बात। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने को लेकर एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों का बयान सामने आने लगा है। दरअसल यह बयान बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की बहुत जल्दी है, लेकिन वह भूल जाते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता का यह बयान तब सामने आया जब नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव को लेकर आशंका जताई थी। साथ ही कहा था कि लोकसभा चुनाव समय से पहले भी करवाए जा सकते हैं। ललन सिंह के बयान पर मांझी ने दिया यह जवाब। नीतीश कुमार के कैबिनेट से जीता नाम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी को और भी हवा लग गई है। इसी मामले को लेकर जदयू से ललन सिंह ने जीता नाम मांझी पर निशाना साधते हुए कहा था कि मांझी अपनी दुकान चला रहे हैं। अब इसके जवाब में जीता नाम मांझी ने कहा है कि दुकान का मतलब क्या है, जहां खरीद बिक्री होता हो उन लोगों का इसी में विश्वास है, उन्होंने यही किया भी है, लेकिन हमारी पार्टी दुकान नहीं है जहां खरीद बिक्री हो। आगे उन्होंने कहा कि हम ललन सिंह का सम्मान करते हैं, इसका कहीं से भी ये अर्थ नहीं है कि वो हमारे बारे में कुछ भी बोले। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनका नीतीश कुमार से कोई मतभेद नहीं है, वह आज भी नीतीश कुमार का पूरा सम्मान करते हैं। लालू यादव से मुलाकात के बाद राजनीति में शामिल होने को लेकर मनोज वाजपेयी ने कही ये बात। बीते वर्ष फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता मनोज वाजपेयी जब बिहार आए थे तब वे पटना स्थित लालू परिवार के घर भी पहुंचे थे। लालू यादव के सेहत की जानकारी लेने पहुंचे मनोज वाजपेयी ने तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात की तस्वीर खुद तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया था। इसके बाद यह चर्चा देखने को मिली कि मनोज वाजपेयी राजनीति के दुनिया में भी अपने कदम रख सकते हैं, लेकिन अब इतने समय बाद इन अटकलों को लेकर मनोज वाजपेयी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान कहा कि जब मैं पिछली बार बिहार
गया था तो मैंने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। तब से लोग कयास लगा रहे हैं कि मैं राजनीति में आऊंगा। अगर उन्होंने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि मैं 200% आश्वस्त हूँ कि मैं ये नहीं करूँगा, राजनीति में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी नेता ने कसा तंज। लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार द्वारा दिए गए बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी का सितम जारी है। इसी को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि आखिर मुख्यमंत्री चुनाव से क्यों डर रहे हैं, जनता से क्यों डर रहे। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को घबराने की जरूरत नहीं है, निर्वाचन आयोग समय पर ही चुनाव कराएगी। चुनाव आयोग आपके हिसाब से नहीं चलता है, संविधान की प्रक्रिया के हिसाब से चलता है। वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार आजकल भविष्यवाणी भी करने लगे हैं, उनको आजकल बहुत कुछ मालूम होने लगा है, इनका अपना कोई ठिकाना नहीं है कि क्या होगा और दूसरों की चिंता करते फिर रहे। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर कही ये बात। अभी बीते ही दिनों जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने जीता नाम मांझी पर तंज कसते हुए कहा था कि मांझी अपनी दुकान चला रहे। अब भाजपा के गठबंधन को छोटी दुकान कहने पर बीजेपी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि छोटी दुकान तो जदयू है, पता नहीं कब राजद में समाहित हो जाए। वहीं नीतीश कुमार के चुनाव को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि शायद वह विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जिस तरह से राज्य सरकार चल रही है उसे किसी दिन उनकी जगह तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री न बन जाएं। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूअर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है पवन कुमार यादव, अंजलि पाल, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, कई राजनीतिक पार्टियां केंद्र के मोदी सरकार पर जांच एजेंसी के दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही, इस पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।